आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। मैनपुरी के बेबर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था धराशायी है। प्रदेश का कोई जनपद या कोई शहर ऐसा नहीं है जहां प्रतिदिन घटनाएं न हो रही हों। सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। इस दौरान उन्होंने शिवपाल और अखिलेश पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा को हराने के लिए प्रदेश के सभी समाजवादी विचारधारा के दल एक साथ होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी प्रदेश में बनाएगी। पूरे प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक समाजवादी पार्टी के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए लोग आज मन बनाए बैठे हैं और पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। पूरे प्रदेश के लोगों की यही इच्छा है, उनकी राय। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 300 से अधिक सीटें जीतेगी। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भतीजे होने के साथ साथ बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के बहनोई हैं और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के दामाद हैं। समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जी जान से जुटी है। मैनपुरी से शिव कुमार, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।